आपने तले हुए भटूरे तो बहुत खाए हुए हैं, मगर बिना तले हुए भटूरे आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलो मेरे साथ हेल्दी बिना तले हुए भटूरे बनाते हैं। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने लिए हैं गेहूँ का आटा, नमक, तेल, ईस्ट, अजवाइन, जीरा और साथ में लिए हैं थोड़ा सा हींग। तो इसको आग मिला देंगे सभी को। इधर एक चम्मच डालूंगी मैं नमक का, एक चम्मच डालूंगी मैं तेल का और थोड़ा सा ईस्ट और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा डालूंगी जीरा और इसको जो है आपस में मिला लेंगे सभी को। अब सारा मिल गया है सामान, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी अब और इस सारे आटे को जो है गूंथ लूंगी। आटा जो है गूंथ के रेडी हो चुका है, तो मैं इसको इस तरह से छोड़ दूंगी और ऊपर से जो है थोड़ा सा तेल लगा दूंगी और थोड़ा सा डालूंगी ऊपर से नमक, ताकि आटा जो है जब भटूरे बनाने के लिए रेडी हो तो नरम रहे बाहर से भी। और इसको मैं रेस्ट करने छोड़ के लिए छोड़ दूंगी 15-20 मिनट के लिए। चलिए भटूरे का आटा जो है मैंने गूंथ कर रखा था और सॉफ्ट हो चुका है, इसको आधा घंटा हुआ था छोड़े को। आप जो है मैं आपको भटूरे बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने आटा रखा और इधर थाली में जो है मैंने सूखा आटा लिया हुआ है गेहूँ का, एक पेड़ा लेंगे छोटा सा और भटूरा बनाएंगे। अब इसको सूखे आटे में डालेंगे और अब मैं थोड़ा सा इसको हाथ से बड़ा कर लेती हूँ। ये लिया और ये बन गया भटूरा। अब इसको जो है ना थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब इसको मैं तवे पर डाल दूंगी। अब इसको पलट देंगे दूसरी साइड। भटूरा जो इस तरह बन के रेडी हो चुका है, मैं इसको प्लेट में डालूंगी। देखो इसमें ना कोई तेल है ना कोई घी है, बिल्कुल सूखा है। इस तरह से देखो मैंने सभी भटूरे बना लिए हैं, बिना तेल के बने हैं, कितने अच्छे बने हैं। ये बहुत हेल्दी हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई करें और मेरे को बताएं कैसे बने हैं। बाय।